पूरा मामला क्या है, जहां वन विभाग ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करी है? जी साक्षी, ये पूरा मामला झज्जर का है। झज्जर के लोहारी गांव से गुजरने वाली माइनर के जो कंस्ट्रक्शन कंपनी यहां पर निर्माण कर रही थी, उस पर यह जुर्माना लगाया गया है। दरअसल करीब 9 किलोमीटर लंबी माइनर जो है वो तैयार की जा चुकी है। गुड़गांव से कंस्ट्रक्शन कार्य चलता आ रहा है और जो ठेकेदार है कृष्णा कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसने मनमाने तरीके से, गैरकानूनी तरीके से जो पेड़ थे, बड़े पेड़ थे, छोटे पेड़ थे, उन सभी को तहस नहस कर दिया, मिट्टी के नीचे दबा दिया। इतना ही नहीं, इन पेड़ों पर जो परिंदे होते हैं उनके भी घोंसले थे, काफी सारी बैया चिड़िया होती है उसके घोंसले इस पर बने हुए थे। तो ना सिर्फ पेड़ों को नुकसान पहुंचा बल्कि जो परिंदों के घर थे वो भी उनसे छीनने का काम कंस्ट्रक्शन कंपनी की ओर से किया गया है। बताया जा रहा है कि करीब 20,000 हेक्टेयर का जो वन क्षेत्र है उसमें करीब 1500 पेड़ों को नुकसान पहुंचा है और एक आंकड़े की बात की जाए तो करीब 3 पेड़ पूरी उम्र में इतनी ऑक्सीजन प्रदान करते हैं कि जिनसे 3 लोग आराम से जो है सांस ले सकते हैं। इसका अंदाजा लगाया जाए तो करीब 500 लोगों को जो बेहतर सांस मिलनी थी, ऑक्सीजन मिलनी थी, वो अब नहीं मिलेगी। इसी के चलते बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। हरियाणा के इतिहास का सबसे बड़ा चालान झज्जर के वन विभाग ने ठेकेदार पर किया है। दरअसल अब जो उन पर है 1,12,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है और इसके साथ ही करीब 1.5 करोड़ रुपए के उसके वाहन थे जिनमें जेसीबी मशीन, ट्रैक्टर और प्रोपलन मशीन शामिल है, उन सभी को जब्त कर लिया गया है। इतना ही नहीं, फरीदाबाद की जो वन विभाग की जो कोर्ट है वहां पर मामला भी दर्ज करवाया जाएगा और उसके बाद देखना होगा कि किस तरीके से सजा का प्रावधान होता है या जुर्माना और बढ़ाने का काम कोर्ट करती है। फिलहाल पूरे मामले की जांच भी की जा रही है। इतना ही नहीं, काम को पूरी तरह से रुकवा दिया गया है और किस तरीके से ये जो वन क्षेत्र है इसको नुकसान पहुंचा है उसका भी पूरी तरह से आकलन अभी फिलहाल अधिकारी कर रहे हैं। जी साक्षी, बिल्कुल प्रदीप, देखिए जिस तरीके से जंगल को तहस नहस किया गया, अभी बड़ी कार्रवाई हुई है विभाग ने ठेकेदार पर, क्योंकि 1,12,00,000 का जुर्माना लगाया है। ऐसे में सवाल ये भी प्रदीप की, ये जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है ये लोहारी माइनर क्षेत्र में कब से काम कर रही थी? जी साक्षी, ये पिछले लंबे समय से काम चल रहा है। करीब 9 किलोमीटर की जो माइनर है उसका निर्माण कार्य हो भी चुका है, पूरा हो चुका है। आगे की तरफ ये माइनर का निर्माण चल रहा था और जो आरक्षित वन क्षेत्र है वहां पर इस तरीके से माइनर के निर्माण के लिए काफी सारे पेड़ों को गिरा दिया गया है और 1500 पेड़ काफी बड़ी संख्या होती है। इस तरीके से गैरकानूनी तरीके से नियमों की अवहेलना करते हुए बिना किसी परमिशन के सभी पेड़ों को उखाड़ दिया गया, कईयों को तहस नहस कर दिया गया, मिट्टी के नीचे दबा दिया गया, उखाड़ दिया गया, इस तरीके की कार्रवाई की गई है। ना तो ठेकेदार किसी अधिकारी से पूछना उचित समझा कि ये पेड़ रस्ते में आ रहे हैं तो इनका क्या किया जाए, या फिर उन्हें बचाने की कोशिश नहीं की गई, मशीनों के जरिए उन्हें तोड़ते हुए अधिकारियों ने, माफ कीजिएगा, ठेकेदार ने काम किया है, तब जाकर ये अधिकारियों ने कार्रवाई की है। और इसी कार्रवाई का नतीजा है कि अब जो ठेकेदार है उस पर करीब 1,12,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया और उसके 1.5 करोड़ रुपए के वाहनों को जब्त कर लिया है। फिलहाल नुकसान का पूरा आकलन किया जा रहा है और प्रति पेड़ के हिसाब से ये जो नुकसान का जो जुर्माना है वो बनेगा और फिलहाल ये जुर्माना जो है वो 1,12,00,000 रुपए बनकर सामने आया है। अब देखना होगा कि ये जुर्माना आगे और बढ़ता है या किस तरीके से चलता है, क्योंकि ये जो जुर्माना लगाया है सिर्फ झज्जर के जिले के जो पेड़ों को तहस नहस किया गया है सिर्फ वही पेड़ है। अगर गुड़गांव क्षेत्र में भी इस तरीके की कार्रवाई जो ठेकेदार है उन्होंने की होगी, उसके कर्मचारियों ने की होगी, तो ये जुर्माने की राशि और भी ज्यादा बढ़ सकती है। साक्षी, बहुत धन्यवाद आपका प्रदीप, जानकारी देने के लिए हमको विस्तार।